नीरज बवाना गैंग का नाम लेकर आरती से फोन पर 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगने की वारदात का महज 48 घंटे के दौरान पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए आरोपी को काबू में कर लिया। पानीपत के गांव भांदर निवासी आरोपी शिषपाल पुत्र बलवान सिंह ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में ट्रक पर ड्राइवरी कर रहे अपने छोटे भाई रवि के साथ मिलकर पानीपत सेक्टर 25 निवासी आरती संदीप से रंगदारी मांगने की योजना बनाई। रवि ने अमेरिका से 14 जनवरी को आरती संदीप के नंबर पर कॉल कर 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगते हुए ना देने पर जान से मारने की धमकी देने की वारदात को अंजाम दिया। थाना चांदनी बाग थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सेक्टर 25 निवासी आरती संदीप से फोन पर 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने की वारदात को महज 48 घंटे के दौरान थाना चांदनी बाग पुलिस की टीम ने सफलतापूर्वक सुलझाते हुए आरोपित को काबू करने में बड़ी कामयाबी हासिल की। थाना चांदनी बाग प्रभारी इंस्पेक्टर महिपाल सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी टीम के साथ वारदात के बाद ही विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर गहनता से जांच करते हुए रविवार को गांव भादर निवासी शिषपाल पुत्र बलवान से शक के आधार पर गहनता से पूछताछ की तो आरोपित ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में ट्रक पर ड्राइवरी कर रहे छोटे भाई रवि के साथ मिलकर योजना बनाकर उक्त वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपी शिषपाल को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पकड़ा गया, पूरा मामला क्या था बताइए। 14 तारीख को करीब 10:15 बजे के आसपास संदीप नाम का एक 25 सेक्टर में रहने वाला व्यक्ति है जो अर्थ की दुकान अपनी चलाता है, उसके पास फ़ोन आता है कि आप 25 लाख रुपए दे दो नहीं तो आपको जान से हाथ धोने पड़ेंगे। उसकी शिकायत पर हमने FIR दर्ज 14 तारीख को कर दी थी। उसके बाद इसमें साइबर सेल की मदद से इसमें हम एक टारगेट नंगम नंबर पे पहुँचे, जिससे हमने उस नंबर की भी आगे जांच की गई तो उसमें एक ऐसा नंबर निकल के आया जो उससे बार बार कंटिन्यू बात कर रहा था। उस नंबर के व्यक्ति से हमने पूछताछ की जिसने एक्सेप्ट किया कि वो 25 लाख रुपए जो मांगे गए थे वो मेरा भाई है और ऐसे ऐसे हम दोनों ने एक प्लान बनाया था जिसके तहत हमने उसको कल गिरफ्तार कर लिया है और आज उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। सर जांच में क्या सामने आया, सर क्यों मांगी थी इन्होंने रंगदारी, किस चीज़ में इनको पैसे की ज़रूरत थी बताया। बस पैसे की तो ज़रूरत, इनके घर में कोई फंक्शन भी बताया जा रहा है। एक्चुअली बात तो ये नहीं बताया पाए लेकिन इनके घर में एक फंक्शन भी है कोई और पैसों की इन्होंने कोई आवश्यकता थी, उस संबंध में ये बता रहे हैं कि हमने थोड़ी पैसों की आवश्यकता थी। शादीशुदी कोई पारिवारिक फंक्शन था वो, आई डोंट नो क्या था वो। सर ये फ़ोन कहाँ से करवाया गया था, कौन से शहर से कराया गया। ये कैलिफोर्निया में रहता है ये लड़का, अमेरिका USA में, वहाँ से ये फ़ोन हुआ था। सर मुकदमा किसकी से खिलाफ हुआ। मुकदमा इसमें जो एक अननोन व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था इसमें, जिसके फ़ोन पे नंबर नहीं दिखाई दे रहा था, नो कॉलर आईडी के नाम से नंबर आ रहा था, उसको ट्रेस किया गया है। उसके बाद इसमें दो व्यक्तियों के नाम जुड़े हैं जो दो सगे भाई हैं, तो उनमें से एक को हमने गिरफ्तार कर लिया है, दूसरा कैलिफोर्निया में है, उसको भी एम्बेसीज के माध्यम से उसको भी इंडिया लाया जाए।